राशि वालों, वीडियो की टाइटल देकर आप समझ ही गए होगी कि आज मैं वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आ रहा हूँ। यहाँ यह खुशखबरी इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि पिछले समय में आप जिन परेशानियों से परेशान होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए जिन्हें जिम्मेदार माना जाता है, वह ग्रह आपके जीवन में विवाहित जीवन, प्रेम, वाहन, सुंदर भौतिक चीजें, सुख एवं धन प्रदान करता है। साथ में वह ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है, करियर में भी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। कुंडली में शुभ होने पर व्यक्ति को समस्त संसार के सुखों को प्राप्त करवाता है। वहीं दैत्य गुरु शुक्र ग्रह 17 जुलाई 2021 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हां, 17 जुलाई 2021 को शुक्र का यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि वह चंद्र की आधिपत्य वाली राशि यानी कि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की आधिपत्य वाली राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो शुक्र ग्रह हर 23 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु इस बार शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते समस्त भारतवर्ष में तेज बारिश, आंधी तूफान के साथ बाढ़ के आसार भी बनेंगे। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह आपकी राशि वृषभ राशि पर बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाले है क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में तनुभाव एवं जयभाव के लोड होकर सुख भाव में स्थित है, जो आपके लिए अनुकूल युति बना रहे है। तो 17 जुलाई से शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आपके कौन से वह महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करेगा, क्या वाकई में आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वृषभ राशि वालों, मैंने जून महीने में ही बड़ी भविष्यवाणी की थी कि देश विदेश में वायुयान की दुर्घटना, विस्फोट की घटनाएं घटित होगी और उत्तर भारत में भूकंप के झटके भी महसूस होंगे और यह भविष्यवाणी भी सच होती नजर आ रही है। वृषभ राशि वालों, मैंने यह भी कहा था कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, किंतु जुलाई महीने के बाद आपके धन की आवक लगातार बढ़ती जाएगी और यह भी सच होने जा रहा है। जी हाँ, इस समय वृषभ राशि वालों, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भवन में हो रहा है। चतुर्थ भवन यानी कि सुख का भवन, अचल संपत्ति का भवन, कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ भवन, निर्माण एवं मेहनत के बलबूते पर मिलने वाले धन का भवन माना जाता है, जिसके कारण इस समय करियर, व्यवसाय और नौकरी में जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ रही थी तो अब नहीं करनी पड़ेगी। कार्य को करने में पसीना छूट जाता था तो वह सारे कार्य सरलता से हो गए, यानी कि किस्मत का सहयोग मिलेगा। वही जो जातक पिछले काफी समय से किसी पद पर स्थित है और पदोन्नति के बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसरों आने के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा तो फंसा हुआ पैसे वापस मिलेंगे। दोस्तों, शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के ही चलते जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो 17 जुलाई के बाद धन लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। जी हाँ, शुक्र ही इस समय आपके प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाएगा, बिछड़े यारों को मिलाएगा, तो जिन पति पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति चल रही थी उनके तनाव को दूर करेगा, पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करवाएगा। तो वही जो जातक सिंगल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भी किसी अजनबी से मुलाकात करवाकर प्रेम सुख, सैया सुख, देश सुख प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह राजनीति, कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा और नौकरी, धन के साथ साथ प्रेम एवं विवाह के कारक भी माने जाते हैं, जिसके ही कारण इस समय आपको शादी के लिए योग्य रिश्ता मिलेगा। तो वही भाग्य आपका सहयोगी रहेगा, जिसके चलते आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। यात्रा के कारण लाभ मिलेगा, तो जो महानुभाव अपने लिए उचित नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में बदलाव, स्थान परिवर्तन एवं इच्छित जगह पर तबादला भी होगा, जहां विशेषकर शुक्र अपनी द्विपाद दृष्टि से आकस्मिक धन लाभ के भवन में देख रहा है, जिसके ही चलते इस समय आपको कहीं ना कहीं से अचानक से धन मिलेगा। चाहे कृषि क्षेत्र से मिले, शेयर बाजार सट्टे से मिले, जमीन मकान प्रॉपर्टी संपत्ति का क्रय होने से मिले, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त होने से मिले, टेबल के नीचे से होने वाली कमाई के साथ गुप्त धन के रूप में मिले, आपको आकस्मिक लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की किसी स्कीम का भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के प्रभाव के चलते घर, गाड़ी, बंगला एवं भौतिक चीजों से लाभ मिलेगा। जो विदेश जाना चाहते है या फिर विदेश जाकर स्थित होना चाहते है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुंडली में ज्योतिष के कई ऐसे महायोग है जो जातक को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचा देते है और कई ऐसे दुर्योग भी है जो जातक की मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वृषभ राशि वालों, यहाँ से शुक्र आपको कानूनी मसले से जुड़े हुए कार्यों से लाभ प्रदान करेगा, व्यापार की स्थिति को ठीक करेगा, तो रोजी रोजगार की तलाश में है उन्हें रोजगार के उचित अवसर भी दिलाएगा। विशेषकर वह लोग जो कारोबार में हानि उठा चुके है, नुकसान हो चुका है, कर्ज बढ़ चुका है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यकीनन इस समय नया रास्ता निकलेगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि में जहां सफल परिणाम
प्राप्त होगी तो वहीं पुत्र से संबंधित आशा के अनुरूप लाभ भी मिलेगा। यहाँ तक इस गोचर में आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में भी आएगी और उससे भागीदारी से जुड़ा हुआ कार्य भी करेंगे तो राजकीय कार्य भी सरलता से संपन्न होते नजर आएंगे। वृषभ राशि वालों शिक्षा से संबंधित कार्य होंगे किंतु इसके साथ साथ शुक्र यहाँ पर चापलूस और चाटुकारों से सचेत रहने की सलाह भी देता है, शत्रु से सावधान रहने की सलाह देता है तो वही मौसमी बीमारियों से भी बचने की सलाह देता है। जय गुरुदत्त।